हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। वहीं माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षट तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। षट तिला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तिल से बने पकवानों का भोग लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार षट तिला एकादशी व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को है। षट तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ज्योतिषियों के अनुसार षट तिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। षट तिला एकादशी 2022 पूजा मुहूर्त। षट तिला एकादशी पूजा मुहूर्त का समय 2 घंटे 9 मिनट का रहेगा। 28 जनवरी को सुबह 7:11 से 9:20 तक का शुभ मुहूर्त है। षट तिला एकादशी पूजा विधि। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। षट तिला एकादशी की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से षट तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि ये अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षट तिला एकादशी के व्रत की विधि विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से षट तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है।